तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैव अभ्यन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 13 से लिया गया है। इसका संक्षेप में अर्थ है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के आगमन के समय अपने सेनापति अर्जुन को अपनी रथ और सेना की विशेषताओं का वर्णन किया। उसने बताया कि अर्जुन के रथ पर शंख, भैरी, पणवान और गोमुख आदि नादक यंत्र थे। उनकी मेलजोल से उत्पन्न होने वाली गूंज ने युद्ध क्षेत्र में भयंकर शब्द उत्पन्न किए। इस श्लोक का महत्वपूर्ण संकेत है कि अर्जुन के रथ पर इन वाद्य यंत्रों की गूंज के माध्यम से सेना में शोर और हंगामा मच गया। यह शोर विराट सेना में दर्शकों को अप्रभावित करने और उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए हुआ। इससे भय और दुविधा की भावना उत्पन्न हुई और युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाक्रम की शुरुआत हुई। युद्ध क्षेत्र में उत्पन्न हुए इस शब्द के कारण सभी सैनिक उत्साह और जोश से भर गए और युद्ध को लेकर प्रवीणता से अपना कर्तव्य निभाने की दृढ़ता से सजग हो गए। यह श्लोक उस समय की घटनाओं को विवरणी करता है जब दो बड़ी सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध उत्पन्न हुई थीं और युद्ध का आगमन हुआ था। इस श्लोक का मूल संदेश है कि युद्ध के समय ध्वनि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शब्द और गूंज सेना को ऊर्जावान बनाती है, सैनिकों को प्रेरित करती है और उन्हें युद्ध के लिए तत्पर करती है। ध्वनि की उपस्थिति युद्ध के माहौल को प्रभावित करती है और अधिकांश समयों में यह संकट की घड़ी में एक महत्वपूर्ण विजय का संकेत होती है।